So your simple habit starts by literally smiling at the money you receive. When you open your wallet or purse today, smile at the money that there is in it. Hello guys, welcome back to my vlog. तो यार जिस बात का डर था मेरे को वही हो रहा है. मेरी स्लीप साइकिल आगे खिसकते ही जा रही है. पता है दिक्कत की बात क्या है, रात को सोने के प्रेशर के कारण मेरी रात को नींद उड़ जाती है. यार कुछ भी हो जाए यार, कल किसी भी हालत में मेरे को 5 बजे सुबह उठना है. अगर मैं कल नहीं उठ पाया, कल भी लेट उठा तो फिर तो कल के मेरे दिन की शुरुआत ही यार लेट उठ के हुई थी. और वो लेट उठने के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था. मेरे को लगा था कि अब वापस से मेरे को मेरा शेड्यूल ऐसे ही लेट उठ के. और मैंने अगस्त के महीने के लिए ये भी सोचा है कि अगर मैं एक भी टास्क दिन का नहीं कर पाया तो मैं कैलेंडर में क्रॉस मार्क मार दूंगा और उस दिन को काउंट नहीं करूंगा प्रोडक्टिव डे में. और यार अगर मैं ऐसे में उठूंगा ही लेट तो यार मतलब कैसे ही हो पाएगा मेरे दिन का सारा टास्क. तो मैं कल सुबह उठा, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करा, वर्कआउट करा, पर उसके बाद यार ऐसा लगा कि आज नहीं हो पाएगा, आज का दिन पहले ही मैं क्रॉस मार्क कर देता हूँ. पर तब मैंने क्रॉस मार्क करा नहीं था, अभी मैंने क्रॉस मार्क करा. पर माइंड में ऐसा हो गया था कि आज का दिन गया यार. और ऐसा भी था यार कि मैंने संडे का दिन अच्छे से एंजॉय नहीं करा था, तो वो एक थी यार कि यार एंजॉय नहीं कर पाया. तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक दिन और ले लेते हैं, कुछ मूवी वगैरह देख लेते हैं आज के दिन. पर बिलीव में यार मैं इतना मूवी देखने की कोशिश करा, मैं आधे घंटे तो मूवी ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी देखूं. पर फिर आखिर में मैंने कंक्लूड करा कि मूवी रहने देते हैं, कोई एक पॉडकास्ट देख लेते हैं. फिर उसके बाद मैंने नवल रविकांत और जो रोगन का एक पॉडकास्ट था वो मैंने देखा. और आज के दिन का भी थोड़ा बहुत टाइम मेरा जाने वाला है क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक दिक्कत आ गई, उसको रिपेयर करने के लिए बंदा आने वाला है. छोटू सा डॉट आ गया मेरे लैपटॉप में, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन चेंज करने आने वाला है वो. और एक और प्रॉब्लम है मेरे लैपटॉप में, इसमें कीबोर्ड की लाइट पता नहीं कभी जलती कभी नहीं जलती है, एक सॉफ्टवेयर की दिक्कत है इसमें. और अच्छा हुआ कि मेरे को ये बात याद आ गई कि उसने मेरे को बोला था कि अपना लैपटॉप का बैकअप भी ले लेना क्योंकि शायद इसको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ सकती है. और इस लैपटॉप में हमारी फैक्ट्री के अकाउंट्स भी डले हुए हैं, तो अगर गलती से भी इसका डेटा पूरा उड़ जाता ना तो फिर तो मेरा अगला ब्लॉग में रेलवे स्टेशन में शूट कर रहा होता. इमेजिन करो ना मैं ऐसे रेलवे स्टेशन में कचरा उठा रहा हूँ, उसकी वीडियोस बना रहा हूँ. ओ भाई जल्दी बैकअप लो. तो ये भैया ने अभी फॉर्मेट में लगा दिया कंप्यूटर. कितनी देर में हो जाएगा भैया फॉर्मेट? है 2 घंटे लग जाएंगे. स्क्रीन को मिला के कि क्या? स्क्रीन को मिला. तो चलो जब तक कंप्यूटर बन रहा है तब तक अपन बुक पढ़ लेते हैं. तो भैया आप ऐसे कितने शहर जा चुके हो कंप्यूटर बनाने के लिए? 8-9 एमपी में ही? हाँ एमपी में. कहाँ कहाँ, नाम बताओ ना एक दो. दमो गया हूँ, सागर गया हूँ, सतना गया हूँ, बहुत सारे गया. तो ऐसे और भी लोग होते हैं कि आप ही हो मतलब बाहर शहर में जाने के लिए? जबलपुर में आप ही ट्रैवल करते हो? सही है. कौन सी चीज़ क्या है भैया यहाँ पे? ये रैम है, प्रोसेसर है, इधर ग्राफिक कार्ड है, इधर SSD है. SSD है. हो गया भैया? हाँ. कितनी सारी पेन ड्राइव है आपके पास? Different types of tool. चलिए भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अभी बाइक नहीं है वरना मैं आपको छोड़ देता वहाँ तक. एक और बार शुक्रिया ना. बाय. पहला लेफ्ट फिर राइट ना. ओके भैया बाय. कोई तो लिक्विड था उसके पास जिससे उसने बहुत बेहतरीन तरीके से चमकाया है लैपटॉप को. यार क्या ही शाइन कर रहा है लैपटॉप मेरा. तो अभी उसे गए हुए 1-1.5 घंटे हो गए हैं और तब से मैं अपने लैपटॉप में लगा हुआ हूँ अपना डेटा रिकवर करने के लिए. मैंने अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में पूरा डेटा बैकअप ले लिया था मैंने. तो अब जब मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ तो एक एरर बता रहा है. तो मेरे को अभी कुछ समझ तो आ नहीं रहा है इसमें जो भी बोल रहा है, पर मेरे को इतना समझ आ रहा है कि एक स्टेप था बैकअप लेने के टाइम पे जो मैंने स्किप करा था और ये उसी के कारण है. पूरा दिन खत्म हो गया यार. मैंने 100 से ज्यादा वीडियोस देख ली यूट्यूब की कि कैसे मैं उसको वापस रिस्टोर कर सकता हूँ मेरा डेटा, पर ये CD ड्राइव मांग रहा है और मेरे लैपटॉप पे है नहीं. आज के जमाने में कौन CD ड्राइव यूज करता है यार. तो अभी मैंने कोई एक तरीका देखा यूट्यूब पे जिससे पेन ड्राइव को CD ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी का काम चल रहा है अभी. ये कोई सा तो एक टूल है जो डाउनलोड करने को मेरे को बोला है. तो ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं अपना यूडेमी का कोर्स कर लेता हूँ.
लग गए।